दोस्तों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार में आपको टाइप करना है आधार कार्ड और सर्च करना है। जब सर्च कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है माई आधार, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है, उसके बाद यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। चलिए मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आइएगा, कैप्चा है। देखिए कैप्चा जिस तरह लिखा है उसी तरह आपको कैप्चा को फिलअप करना है। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में भरना है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद ओटीपी डाल देना है, डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट आधार का, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो नाम डालना है, जो आधार कार्ड पर आपका नाम है, चलिए मैं नाम को डाल देता हूँ। उसके बाद आगे यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। नीचे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इंडियन पर टिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, क्या आपको अपडेट करना है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर पर टिक कर देना है, उसके बाद पोर्टशीट पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जितना डिटेल आप भरे हैं यहाँ पर शो करेगा, आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। अगर यहाँ से एडिट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप फिर से एडिट करके अपना नाम और आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। जब टिक कीजिएगा तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक नंबर मिलेगा, अपॉइंटमेंट नंबर, इसे आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंटर का नाम ठीक है चुनना है, या आपके पास सेंटर जो है नज़दीकी में वहाँ जगह का नाम यहाँ पर डाल देना है और सर्च कर लेना है। जब आप सर्च कीजिएगा तो जो भी आपके नज़दीकी में सेंटर होगा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अगर जो नज़दीकी है उसे एक बार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जब क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको डेट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको तारीख तय करना है कि आपके पास कब समय है। उसके बाद यहाँ पर समय आ जाएगा, टाइम आपके पास कब समय है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए पेमेंट डिटेल, आपको अमाउंट 50 रुपये पेड करना पड़ेगा, पे एट सेंटर यानी सेंटर पर जाके, ठीक है, आपको वहीं पर 50 रुपये देना होगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक आपको फॉर्म मिल जाएगा, इसे अच्छी तरह से आप प्रिंट कराकर जो अपॉइंटमेंट बुक किए हैं वहाँ पर इस फॉर्म को लेकर जाना होगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा, और जो भी दोस्तों कार्ड है सरकारी योजना से संबंधित आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।